और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड में आसमानी आफत की। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। जी हां, उत्तराखंड में कुदरत ने जबरदस्त तबाही मचाई है। आसमान से बरसती आफत लोगों के लिए परेशानी बन गई है। कई जिलों में बाढ़ से तबाही मची है। पहाड़ इस वक्त दरक रहे हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री में सैलाब आ चुका है और इससे जबरदस्त तबाही मची है। कई नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। गंगोत्री में गंगा भागीरथी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे घाट के पास बनी दुकानों में भी पानी घुस गया है। वहीं यमुनोत्री में कल रात भारी बारिश की वजह से यमुना नदी में उफान आ गया और इसके बाद नदी अपने साथ यमुनोत्री मंदिर को जोड़ने वाले तटबंध भी बहा कर ले गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, और आपको बता दें देवभूमि उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश के बाद नदियां भयंकर उफान पर हैं। भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में सैलाब से त्राहिमाम मच गया है। पुलिस और एसडीआरएफ के जवान लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज रहे हैं। आपसे भी हमारा आग्रह है कि ऐसे हालात में चारधाम जाने से आप बचें। सैलाब से कैसे हालात बन गए हैं, गंगोत्री धाम से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, वहां खाली कर दें और इससे आगे रास्ता नहीं है। गंगा गंगोत्री पुरी हाथ योजना नाम सतेरपी उच्चते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। स्कंद पुराण के ये पवित्र श्लोक उस पावन धाम में आई भीषण आपदा काल में सुनाई दे रहे हैं, जहां भागीरथी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, वहां खाली कर दें। वो जगह खाली कर दें, वहां से ऊपर मंदिर प्रांगण में बैठ लें। आप लोग ऊपर जाके मंदिर प्रांगण में बैठ लें, वहां खाली कर दें घाट को। अभी नहाना बंद कर दे, नहाने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल नहाने की जरूरत नहीं है। अभी ये नहाना, पानी भरना सब बंद कर दे, आप जल भरना। उत्तराखंड के चार पवित्र धामों में से एक गंगोत्री धाम, जहां हर दिन शास्त्रों के मंत्र गूंजते हैं और घंटे घड़ियाल बजते हैं। आज उस धाम में पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों की ये चेतावनियां सुनाई दे रही है। जिस गंगोत्री धाम में इन दिनों तीर्थयात्रियों का जमघट लगा रहता है, वहां प्रकृति के रौद्र रूप धारण करने की वजह से उन तीर्थयात्रियों से जगह खाली करने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। आप लोग ऊपर जाके मंदिर प्रांगण में बैठ ले, वहां खाली कर दे घाट को। अभी नहाना बंद कर दे, नहाने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल नहाने की जरूरत नहीं है। अभी ये नहाना, पानी भरना सब बंद कर दें, आप जल भरना। देवभूमि में ये मां गंगा का वो पवित्र धाम है, जहां इस समय भागीरथी अपने प्रचंड वेग से बह रही है। भागीरथी के इसी रौद्र रूप के चलते गंगोत्री धाम में ये हालात बने। भागीरथी का जलस्तर बढ़ जाने से गंगोत्री में स्नान घाटों के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी है। ये देखिए कैसे बवंडर मचाता आ रहा नदी का ये पानी इन सीढ़ियों से होकर अंदर जाने के लिए बेताब है। भागीरथी के वेग को तो वैसे भी कोई मानवीय शक्ति संभाल नहीं सकती। ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों के सामने यहाँ आए लोगों को खतरे से दूर रखना एक बड़ी चुनौती। आप सभी भक्तों से निवेदन है, वहां खाली कर दें। भागीरथी के तेज प्रवाह और अथाह जलराशि के चलते घाटों के पास बने मंदिरों और स्नान घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जहां आरती होती है वो जगह भी पानी में डूब गई है। भागीरथी के किनारे बने आश्रमों और मकानों तक भी पानी पहुंच गया है। कई मकान और आश्रम भागीरथी के प्रवाह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये देखो, ये सारा पानी। ऐसा लगता है मानो भागीरथी कुछ देर के लिए सबको अपने आगोश में लेना चाहती। ये सारा पानी यहाँ तक आ गया। ताकि मनुष्य को इस बात का एहसास भी बना रहे कि कुदरत के आगे इंसान और उसके सभी इंतजाम हमेशा बौने। गंगोत्री धाम में शिवानंद आश्रम का रास्ता सैलाब की तेज धारा से क्षतिग्रस्त हो गया। यही नहीं, मां गंगा के इस धाम में स्नान घाटों के पास बनी दुकानों तक भी भागीरथी का पानी पहुंच गया है। दुकान वाले इससे काफी डरे हुए हैं। दरअसल लगातार बारिश की वजहों से पहाड़ों में भागीरथी जैसी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे गंगोत्री घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भागीरथी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। हालांकि समय रहते सभी श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। अभी नहाना बंद कर दे, नहाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए। लगातार बारिश की वजह से शुक्रवार को गंगोत्री हाईवे थिरांग और यमुनोत्री डाबरकोट के पास बंद हो गया था। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया था। हाईवे बंद होने से कांवड़िए और तीर्थयात्री जगह जगह फंसे रहे। देर शाम को हाईवे खुल पाया। उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको गंगोत्री से आई नई तस्वीर दिखाते हैं जिसमें भागीरथी का रौद्र रूप दिख रहा है। नदी का पानी घाट तक आ चुका है। घाट पर बड़े मंदिर डूब रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं भागीरथी की उफनती लहरों को, जो इस वक्त रौद्र रूप में है। ये परिसर है, मंदिर परिसर है, जहाँ पर पूरी तरह से ये इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, जलमग्न है। और इस बीच एक और तस्वीर दिखा रहे हैं गंगोत्री धाम की। ये तस्वीर देखिए कितनी ज़्यादा डराने वाली है। पानी का ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा है और एक साथ ये पानी का जो रूप है वो देखने को मिला है। पानी अपने इस वक्त लेवल से ज़्यादा है। जो ये परिसर का इलाका है, मंदिर के परिसर का इलाका, वहाँ पर पानी आ चुका है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और उत्तराखंड से एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड के सोनप्रयाग से एक तस्वीर आई है, बहुत डरा देने वाली तस्वीर है। ये आपको दिखाने जा रहे हैं सोनप्रयाग शटल पार्किंग के ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है। ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ टूट गया, बाल बाल बची दर्जनों लोगों की जान। और कुछ ही सेकंड्स में आप देख रहे हैं पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी इस वक्त तूफान पर है। इलाके के सयूना गांव में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी लोगों की आवाजाही जरूरी है, लेकिन न तो कोई पुल यहाँ बना है, ना ही कोई सड़क है। बाढ़ जैसे हालात में स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर देखिए ये रास्ता पार किया जा रहा है पत्थरों के सहारे। पत्थरों को पकड़कर ये रास्ता पार किया जा रहा है। और इस महिला को देखिए, ये पूरा सिलेंडर ही अपने सर पर लाद कर इस तरह आगे बढ़ रही है, रास्ता पार कर रही है। ये महिला पत्थरों के सहारे रास्ता पार कर रही है। जान जोखिम में डालकर लोग इस वक्त ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात हैं जब हर नदी इस वक्त उत्तराखंड की उफान पर है। और एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड के टिहरी में लैंडस्लाइड हुआ है। भिलंगना इलाके में धर्मगंगा नदी उफान पर है। भारी बारिश और बाढ़ से सड़क कट गई है। पानी के तेज बहाव में कई दुकानें गिर गई। और इस बीच तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ देखिए कैसे जो सड़क किनारे दुकानें थी वो पानी के कटान की वजह से, सड़क के कटान की वजह से पूरी तरह से समा गई पानी में। दूसरी तरफ सड़क पूरी तरह से खत्म हो गई है, तबाह हो गई है और पानी में समा गई है पूरी सड़क। ये हाईवे का इलाका है और पूरी तरह से सड़क डूब गई है पानी में और स्कूल में बर्बादी हुई है। एक स्कूल की तस्वीरें भी है जहाँ मिट्टी का मलबा इतना ज़्यादा आ गया कि पूरा स्कूल ही धंस गया है। तो जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। बात रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं जहां नदी की तेज धारा लोगों को डरा रही है। नदी किनारे पर बने घरों में खतरा इस वक्त बना हुआ है, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रुद्रप्रयाग से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो ये नदी से सटे हुए इलाके हैं। यहाँ पर तेजी से कटान हो रहा है। ये रास्ता था जो पूरी तरह से आधे से ज़्यादा डूबा हुआ नजर आ रहा है नदी में और रास्ते से सटे हुए जो मकान बने हुए हैं, जो घर बने हुए हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं। इस वजह से सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी में डूब गए हैं। महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात शहर हो, हिमाचल, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर, बादलों के इस विद्रोह काल में आपको कहीं कोई अंतर नहीं दिखेगा। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि 31 जुलाई तक कोई राहत नहीं मिलेगी और यही हाल हर जगह देखने को मिल सकता है। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में ये हालात बने हुए हैं और महाराष्ट्र और गुजरात में भी कई जगहों पर बाढ़ से बुरा हाल है। महाराष्ट्र के कई इलाके पानी में घिरे हुए हैं। महाराष्ट्र की सांगली में बाढ़ से निपटने के लिए सेना भी बुलाई गई है। वहीं गुजरात के नवसारी और वडोदरा में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र का ये पूरा इलाका पानी से घिरा हुआ है। घर मकान सब बाढ़ के पानी में डूबे दिखे। गांव के गांव पानी में घिरे हुए हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सांगली इलाके की है जहां कई गांव में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए। सांगली जिले में हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि राहत बचाव के लिए सेना की एक टुकड़ी को भी बुलाया गया है। सेना के लगभग 90 जवान और 10 अधिकारी इन इलाकों में पहुंच गए हैं। सेना ने इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दरअसल भारी बारिश और अलमाटी डैम का पानी छोड़े जाने से सांगली के इस इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं। जबकि सांगली में वारना और कोयना डैम भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। लगातार बारिश से डैम में पानी भरता जा रहा है जिसे छोड़े जाने के बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ की मुसीबत आ गई है। गुजरात में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। गुजरात में भी नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की है जहां पूरा इलाका बाढ़ के चक्र में फंस गया है। चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है और उसके बीच में शहर, मकान और इमारतें। नवसारी जिले से गुजरने वाली पूर्णा नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे नवसारी शहर के 30% इलाके पानी में डूब गए हैं। शांत और सौम्य दिखने वाली नदियां जब अपना रौद्र स्वरूप दिखाती है तो विनाश के मंजर खड़े हो जाते हैं। उसी तरह का मंजर नवसारी शहर में खड़ा हुआ था। दृश्य दिख रहा है ये नवसारी शहर के नज़दीक से बहने वाली पूर्णा नदी का दृश्य है। हाल जो स्तर है वो घट चुका है। कल जो पूर्णा नदी जो है वो 30 फुट से ऊपर चली गई थी। इस वजह से नवसारी शहर का 35% जो इलाका है वो पानी में डूब गया था। नवसारी शहर में जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी के मंजर खड़े हुए थे। दरअसल गुजरात के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। नवसारी में 6 इंच से ज्यादा बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, इसलिए निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अब आपको गुजरात के ही एक और इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। वडोदरा में भी भारी बारिश होने से बाढ़ के हालात है। जिले में कई जगहों पर रिहायशी इलाके बाढ़ में घिर गए हैं। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। कई जगहों पर बाढ़ के पानी में बहकर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों के पास आ गए हैं। आसपास तालाबों में ये मगरमच्छ साफ देखे जा रहे हैं। ये मगरमच्छ नदियों और झीलों से रिहायशी इलाकों में आए हैं। उधर छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। ये तस्वीरें बलौदा बाजार जिले के गणेशपुर गांव की है। आप देख सकते हैं पूरा गांव बाढ़ की चपेट में है। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। घरों में भी पानी भर गया है। सैलाब में कई घर प्रभावित हुए हैं। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप स्थिति पे अवगत हैं, देख पा रहे हैं पिछले साइड में पूरा मकान टूटा हुआ है। पानी जल स्तर काफ़ी भरा हुआ है। वार्ड नंबर 5 से लेकर 6, 7, 8 के आसपास के लोग पूरा अपने सामानों को छोड़कर अपने प्राण को बचाते हुए रेस्क्यू टीम की सहायता से आगे विश्रामपुर गांव में वहां पर शरण लिए हुए हैं। साथ ही लोगों को पूरा सामान छोड़ने के कारण उनका पूरा राशन जो है, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, पहनने ओढ़ने बिछाने की सारी व्यवस्थाएं पूरा ढप हो चुकी हैं। बलौदा बाजार जिले में बाढ़ से हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। रात भर स्टैंड बाई में की टीम अगर किसी तरह की अगर जैसे बारिश की संभावना और है या जल स्तर बढ़ जाता है तो हमारी टीम, एक टीम यहाँ पर और एक टीम दरचूरा डैम, दोनों जगह पर रुकी हुई। हमारी 36 लोगों की टीम है जिनमें हम 4 बोट लेकर आए हैं। तो किसी भी आपदा के लिए हम बोट के साथ ही जैसे आप देख सकते हैं हमारे जैसे जो कार्मिक हैं लाइफ बॉय वगैरह यूज़ करते हैं और जीवन रक्षक जो भी होते हैं वो हम उनको लेके चलते हैं लाइफ बॉय। दरअसल देश के कई राज्यों में बाढ़ के ये हालात भारी बारिश होने से पैदा हुए हैं। जुलाई के आखिर तक कई जगहों पर रिकॉर्ड बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से तो यहाँ भी हालात खराब हैं। सैलाब से तबाही यहाँ देखने को मिली है। लखीमपुर खीरी में नदी में कटान हुआ है। शारदा नदी में समा गया मकान। कटान से 66 घर नदी में समा गए। जिले में 100 से ज्यादा घर खतरे में। गाँव वालों ने पलायन शुरू कर दिया है। और आइए अब एक साथ आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर गिरने से पहले की है। देखिए मकान गिरने से पहले बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है और सही सलामत है, लेकिन अगले ही पल कुछ सेकंड्स में ये मकान नदी में समा जाता है। लखीमपुर खीरी के पुरवा गांव में 70 घर थे, लेकिन कुदरत के कहर के आगे 66 घर पानी में समा चुके हैं। अब सिर्फ 4 ही घर बचे हैं। शारदा नदी का बहाव इतना तेज़ है कि देखते ही देखते मकान नदी में बहते चले जा रहे हैं। जिले के आधा दर्जन गांव के 100 घर इस वक्त खतरे में हैं। और एक तरफ उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ बारिश से परेशान हैं तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में गर्मी से लोग बेहाल हैं। श्रीनगर का तापमान इस वक्त दिल्ली मुंबई से भी ज़्यादा है। झेलम नदी सूख रही है। किनारों पर दरार दिख रही है। सिंचाई के लिए लोगों को परेशानी हो रही है। तो ये हालात घाटी के बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, जहां पर सूखे जैसी स्थिति हो गई। और संवाददाता मेहराज अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं यहीं से। कश्मीर घाटी में मौसम आए दिन अपने नए रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि गर्मी जो है वो प्रचंड देखी जा रही है। कई वर्षों के रिकॉर्ड जो है गर्मी ने अभी तोड़ दिए हैं। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो पहली बार श्रीनगर में भी ऐसी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं पे जो बारिश की कमी की वजह से अब जहलिम का स्रोत जो है या जो जहलिम पानी का स्रोत था उसमें जो लेवल है वो काफ़ी हद तक डाउन हो गई है। बता दें इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में, उनके अनुसार 30% जो है वो पानी की लेवल डाउन हो गई है। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वो जहलिम के किनारे हैं जिनमें पानी की कमी की वजह से दरारें देखने को मिल रही है। जो कि ये जहलिम अगर हम बीते वर्षों की बात करें तो इसमें पानी की लेवल जो होती थी वो वहाँ तक होती थी जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, ये पानी हुआ करता था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ जबरदस्त बगावत हो चुकी है। विद्रोह सामने आया है। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रावलपिंडी में जमाते इस्लामी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रावलपिंडी से। महंगी बिजली के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी सड़कों पर उतरी।